अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान खलील और इस वक्त मैं मौजूद हूं गुजरांवाला की सबसे बड़ी हाउसिंग सोसाइटी सिटी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर, जहां के रिहायशी इस वक्त सराप एहतजाज है। हजारों की तादाद में यहां पर शहरी इस वक्त घरों से बाहर निकले हैं और इस वक्त हाथों में बैनर उठाए हुए जो है सिटी हाउसिंग इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। एहतजाजन ने एक कार रैली भी निकाली है जो जीटी रोड से होती हुई दोबारा जो है सिटी हाउसिंग कंट्रोल रूम पर आकर इख्तिताम पजीर हुई। इस वक्त आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर शहरी मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि क्या मुतालबा है। भजन, आप तो एसीओ में बैठने वाले लोग हैं, अमीर लोग हैं सिटी हाउसिंग सोसाइटी के, तो आप गर्म धूम में बाहर निकल आए हैं, क्या वजह है? जी, ये मजबूरी है हमारी। हम बड़े पिछले 8 साल से इस सोसाइटी में रह रहे हैं। जो वादे इन्होंने किए थे मेजर अमर ने, वो हमारे वादे नहीं पूरे किए। रोड टूट फूट का शिकार है, सीवरेज का सिस्टम नकारा है। जब बारिश होती है पानी, सीवरेज का पानी बाहर आ जाता है। ये गर्मी की शिद्दत इतनी है कि 50 का टेम्परेचर है आज, कम अज कम भी 1000-1500 गाड़ी निकली है बाहर। इसी वजह से है कि हम अपने मुतालबात को मनवाएं और अपने जोर से, अपनी आवाज़ से मेजर अमर तक ये बात लेकर जाएं कि जो जगह जगह हर शहर में सोसाइटी खोल रही है, उन सोसाइटी में माल लूट के वापस लेकर जा रहे हैं और हमारी ख्वाहिशात को पूरा नहीं करते। पूरे पाकिस्तान में इनका नेटवर्क है कि आप सिर्फ गुजरांवाला में ये मसाइल आ रहे हैं? ये जी हर जगह पर मसाइल हैं, सियालकोट में, झेलम में, हर जगह पर मसाइल आते हैं और हर जगह पर वहाँ बाहर निकलती है, लेकिन गुजरांवाला की वहाँ पहली दफ़ा बाहर आई है। इंशाल्लाह ताला जो मुतालबात हमारे हैं, जो इन्होंने वादे किए हैं, वो वादे पूरे कराएंगे इंशाल्लाह। अंकल जी, आप इतनी गर्मी में खड़े हैं बाहर तो आपको धूप वगैरह नहीं लग रही, तो क्या मुतालबात है, क्या मसाइल है, इतने तंग आ गए आप लोग? जो हमारे मुतालबात हैं मस्जिदों के हैं, सफाई के हैं, जगह जगह से सांप निकल रहे हैं, घास बड़ा हुआ है, और बल्कि लोगों ने मतलब मसाजिद तो है नहीं, जो एक्स्ट्रा मसाजिद नहीं बननी है वो बीच में छोड़ दी है। अच्छा, कुछ और भी शहरियों से बात करते हैं। जी भैया, आप बताइएगा, आप तो बिजनेसमैन हैं, आप इतनी गर्मी में एहतजाज में आ गए? मजबूरी के तहत आए जी, ये सब लोग कोई शौक से नहीं थे धूप में निकले। असल में मेजर अमर साहब के जो वादे थे, हम सिर्फ इसलिए निकले हैं कि जी वो अपने वादे पूरे करें। उन्होंने सिक्योरिटी का बोला है, सिक्योरिटी यहाँ पे बहुत शार्ट है, माली यहाँ पे नहीं है, ग्रीन बेल्ट वगैरह, वो जो बंदा कोई कंप्लेंट करता है उसका हो जाता है, जो नहीं तो वो जनाब बड़ा सोसाइटी का इस वक्त बुरा हाल है। सड़कें टूटी फूटी हैं, उसकी रिपेयरिंग भी नहीं हो रही, और उसके अलावा पानी के टैंक हैं, मस्जिदें हैं। तकरीबन 3 साल पहले मस्जिदों का इफ्तिताह किया गया, अभी तक कंप्लीट नहीं हो रही मस्जिदें। तो इतनी बड़ी तादाद में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर शहरी घरों से बाहर निकले हैं। ये वो लोग हैं जो एसीओ में बैठते हैं, लेकिन ये क्या वजह है ये अपने घरों से बाहर निकल आए हैं? इस वक्त यहाँ के जो सिटी हाउसिंग के सदर हैं खालिद महमूद चहल साहब, चहल साहब इतनी बड़ी रैली निकाल दी आपने, इतनी बड़ी तो रैली को हम MP MNA की भी नहीं देखते, क्या वजह हुई कि इतनी बड़ी तादाद में शहर यहाँ के रिहायशी बाहर निकल रहे हैं, क्या इतना मजबूर थे ये लोग? उस्मान भाई, ये सिटी हाउसिंग के पीछे हुए वो लोग हैं जिनकी डकैतियाँ हो रही हैं, जिनकी चोरियाँ हो रही हैं, जिनके घर महफूज नहीं है, यहाँ पे रोडें टूटी हुई हैं, मसाजिद जेर तमीर के अंदर डाकू छुप रहे हैं, और यहाँ पे जिन्होंने वादे किए थे कि यार ब्लाक के अंदर मस्जिद बनाएंगे, वो मस्जिद नहीं बना रहे हैं, और यहाँ पे सिक्योरिटी बिल्कुल खत्म हो गई है, कब्जा ग्रुप यहाँ पे दंदराते फिर रहे हैं। अच्छा बताइएगा, इतनी बड़ी तादाद में आज शहरी बाहर निकल आए हैं, क्या वजह हुई है, और बताइएगा क्या कौन कौन से मेन मुतालबात है जो पूरे नहीं हुए अभी तक? मेन हमारा मुतालबा है कि जो ज़ेरे तमीर मसाजिद हैं वो मुकम्मल की जाएं, पानी का बहुत बड़ा मसला है, वाटर टैंक तमीर किए जाएं, सिक्योरिटी रिस्क बन चुका है सिटी हाउसिंग, सिक्योरिटी में इजाफा किया जाए, यहाँ पे एम्बुलेंस अस्पताल के अंदर नहीं है, इतनी बड़ी सोसाइटी के अंदर एम्बुलेंस नहीं है, यहाँ पे स्कूल नहीं है, पूरे शहर के अंदर बच्चे लोगों के जा रहे हैं पढ़ने, हाउस वगैरह बनाया तो हुआ इन्होंने, बीकन में सबके बच्चे कहाँ पढ़ सकते हैं, 6 बच्चे 5 जिसके हैं वो कहाँ बीकन हाउस में इतनी फीस देगा, इसलिए ये हमारा मुतालबा है कि फिल फॉर स्कूल को शुरू किया जाए। अच्छा बताइएगा, मसाजिद का भी आप कह रहे हैं कि मुतालबात है, क्या मसाजिद के क्या मुतालबात है? हर ब्लाक में एक मस्जिद होनी चाहिए, लेकिन इतनी बड़ी सिटी हाउस है, सिर्फ 4 मसाजिद है, 2 इन्होंने शुरू की थी लेकिन वो भी बंद कर दी है, और वो भी जमीन खत्म कर दी है, अब कोई मसाजिद नहीं बना। वाफे जो है ब्लॉक, आप वहाँ के रहायशी हैं भाई? 1 साल से मुसलसल वहाँ जो है कब्जा माफिया का राज है, जो वो लोग हैं आके सरेआम घरों को डंडे मारते हैं, फायरिंग करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं लोगों को, बकायदा वो आके थ्रेट करते हैं कि ये घर आप खाली कर दे, चूंकि इतनी बड़ी सोसाइटी में ऐसा हो सकता है? बिल्कुल जी, आप हो सकता है, बल्कि हमारे पास ये प्रूफ है, एविडेंस है, 1 साल से लोगों के घर रुके हुए हैं, रोड हमारे पास बकायदा एविडेंस है। ये तो वो प्लाट है जो सोसाइटी बेचती है, तो वो कब्जा माफिया कहाँ से आ गया? मेजर अमर साहब को चाहिए ना, अगर वो गलत है लोग तो इनका सीधे पाप किया जाए,
वो लोग आकर लोगों को थ्रेट करते हैं, वो कहते हैं ये घर हमारे हैं, हम लोगों ने बकायदा पैसे दे के करोड़ों रुपए लगा कर रजिस्ट्री करवाई हुई है। पास तो सोसाइटी का अलॉटमेंट लेटर होता है, हर चीज उनकी रजिस्ट्री हुई है, तो फिर उस्मान साहब इनको देना चाहिए ना। मेजर हमर तो खुद हमोश तमाशा ही बना हुआ है, लोगों के पैसे लगाए हुए हैं, लोगों ने करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की है, किस लिए हम लोग यहाँ आए हैं? अगर हम यहाँ पे महफूज नहीं है, हमारी इससे महफूज नहीं है, हमारे बच्चे महफूज नहीं है, तो फिर हमें आने का यहाँ क्या फायदा है? आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में बुजुर्ग शहरी भी हैं, क्या मुतालबात हैं जो आप सड़कों पर आ गए हैं आज? ये देखें, फेज टू में तकरीबन 1500 घर है, एक मस्जिद है सिर्फ बी ब्लॉक में, पूरे फेज टू में पूरे सिटी हाउस में कोई भी स्कूल हमारे बच्चों के लिए नहीं, पानी का कोई इंतजाम। बच्चे कहाँ जाते हैं? बच्चे गुजरांवाला जा रहे हैं, कैनाल व्यू आ रहे हैं, गुजरांवाला जा रहे हैं पढ़ने के लिए, कोई स्कूल नहीं है। अच्छा जी, आप बताइएगा अंकल जी, आप भी बाहर निकले हैं, देखिए कितनी गर्मी है, पसीना आ रहा है आपको भी, तो क्या वजह, क्या मजबूरी के तहत निकले हैं बाहर? इधर रहायशियों को हर किस्म की कोई भी पहले शोभत बाग दिखा के हमको यहाँ बुलाया गया, और फिर आके इधर एक काम भी नहीं किया, सड़कें टूटी हुई है, सड़कें मस्जिदें ना होने के बराबर है, 2000 आदमी के लिए एक मस्जिद है, एक मस्जिद भी नहीं पूरी है, डबल एक्सटेंशन में स्टे हुआ हुआ है, वो आके स्टे वाले आके डेली घरों के अंदर डंडे मारते हैं, मतलब आके पीटते हैं। अच्छा भजन, आप भी निकले हुए हैं, क्या इतना कोई मसाइल आ गए, मसाइलिस्तान बन गया सिटी हाउसिंग गुजरांवाला, ये तो इतने बड़े प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं, पिशावर, झेलम, सियालकोट, क्या ये मदरलैंड थी जो जहाँ से सिटी हाउसिंग ने शुरू किया, तो क्या वजह हुई है? देखें जी, बात यह है कि 2011 में ये शुरू हुआ, 23 तक इन्होंने 9 सिटी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, ठीक है जी। जो सिटी हाउसिंग का पहला प्रोजेक्ट है 2011 वाला, यहाँ पे ना आप देखें गैस है, ना यहाँ पे प्रॉपर बिजली आ रही है, ना पानी, साफ पानी का बंदोबस्त है, मसाजिद यहाँ पे नहीं है, 3500 घरों के लिए 4 मसाजिद है सिर्फ, उसके अलावा सिक्योरिटी के लिए 3500 घरों के लिए 3 फेजों के लिए 3 बाइक राइडर है बस, ठीक है जी। 2 गाड़ियां इनकी जो है ना, 2 से 3 कब तक अपना एहतजाज जारी रहेगा? जब तक ये अपनी बुनियादी सहूलियात नहीं देंगे, हमारा एहतजाज जारी रहेगा। अजी, जैसा कि आपने यहाँ शहरियों के मसाइल सुने, आप देख सकते हैं हजारों की तादाद में इस वक्त शहरी हैं जो यहाँ के रहायशी हैं, ये घरों से बाहर निकले हैं अपने मुतालबात के हक के लिए। इनका कहना है हमें मसाजिद, जो हमसे वादा किया गया था जामिया मसाजिद का, वो अभी तक नहीं बनाई गई। इसके अलावा जो 2 से 3 ब्लॉक में सिर्फ 1 या 2 सिक्योरिटी गार्ड है, जिसकी वजह से उनके घरों में चोरियां और डकैतियां हो रही हैं, जिसकी, और जो ग्रीन बेल्ट है उसके भी बड़े मसाइल हैं, उनके घरों के बाहर से जो सांप और दीगर कीड़े निकल रहे हैं, जिसकी वजह से वो सरापा इत्तेजाज हैं, और उनका इत्तेजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक उनके मुतालबात नहीं पूरे होते। अभी तक कोई भी जो है सिटी हाउसिंग इंतजामिया की जानब से इनके पास किसी भी किस्म की कोई मुजाकरात करने के लिए नहीं पहुंचा।